यूपी से दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी की नकल करके बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। मायावती बोली कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से दुखी होकर बीएसपी के साथ आ गया है। मायावती ने यह भी कहा कि चुनाव में विपक्ष बीएसपी विरोधी षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बीजेपी के पक्ष में झूठे सर्वे किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा है अशोक तिवारी, मायावती कह रही है कि बीजेपी बीएसपी की नकल कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब से बीजेपी की तरफ से तमाम सारे सम्मेलनों का स्वरूप तैयार किया गया है और उसकी तारीखों का ऐलान किया गया है, उसके बाद से ही बीएसपी नेताओं की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज बसपा प्रमुख मायावती ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जोरदार हमला किया और ये कहा कि बीएसपी की तरफ से जो प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसको प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी का नाम दिया गया है, उसमें जिस तरह से खासतौर पर ब्राह्मण वर्ग बीएसपी के साथ जुड़ रहा है, उससे बीजेपी के खेमे में बौखलाहट है और इसी वजह से उन्होंने बीएसपी की नकल करते हुए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कराने का ऐलान किया है। मायावती ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा की गई है और सभी वर्ग इस वक्त पूरी तरह से बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव के पहले बहुत मुखरता से अपनी बात रखती हुई मायावती बीते काफी दिनों से देखी जा रही है, चाहे वो उनके उत्तराधिकारी कौन होगा उनके अस्वस्थ होने पर उसका चाहे जवाब देने की बात हो, या फिर अब प्रबुद्ध सम्मेलन में बीएसपी के नेताओं के दौरान जो भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है उसमें बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाने की बात भी मायावती की तरफ से की जा रही है। तो कुल मिलाकर यह संकेत देने की कोशिश मायावती की तरफ से की गई है कि चाहे ब्राह्मण वर्ग हो या दूसरे वर्ग हो, वो लगातार बीएसपी के साथ जुट रहे हैं और आने वाले चुनाव में बीएसपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगाह भी किया और ये कहा कि चुनाव में तरह तरह के षड्यंत्र भी होते हैं, हो सकता है कि तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बीएसपी के खिलाफ अंदर खाने एकजुट भी हो जाएं ताकि बीएसपी की सरकार बनने से रोका जाए। तो एक सकारात्मक संदेश मायावती की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की गई है और बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया गया है कि जिस तरह से वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है वो पूरी तरह से बीएसपी की नकल है। तो कुल मिलाकर अपने खेमे को लामबंद करने की कोशिश और समाज में अपने कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देने की कोशिश कि बीएसपी बहुत मजबूत विकल्प के तौर पर इन दिनों उत्तर प्रदेश में उभर रही है, लिहाजा कहीं भी आपको हताश होने की या निराश होने की या डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। यह कोशिश मायावती की तरफ से आज की गई है।